अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रेट की कटाई कैसे होनी है तो मैं आज आपको बताता हूँ कि हम कैसे क्रेट की कटाई करते हैं। मैं अपना तजर्बा शेयर करता हूँ। हर बंदे का एक अपना अपना तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस है आलू लगाने का। तो ये एक पुराना सीड मेरे पास पड़े हुए हैं दो तीन, तो मैं ये कटाई करके बताता हूँ कि ये कैसे आलू को कटाई करना है। इसकी आँखें हैं 1, 2, 3 और 4 इसकी आँखें हैं। हम जो कटाई करते हैं हम तो हर आंख अलग अलग कर देते हैं। ये देखो, ये ऐसे कटाई कर दी है और इसको ऐसे कर दी है और ये ऐसे कर दी है। ये इस आलू की 4 आंखें हैं, ये मैंने चारों अलग अलग कर दी हैं, 1, 2, 3 और 4। और ये इसका दूसरा सीड है, इसकी एक आंख ये कर दी है। देखें, ये जर्मिनेशन हो रहा है यहाँ से। ये इसकी दूसरी आंख और इसकी भी एक 4 आंखें हैं, ये एक ये और ये वाली। इसकी भी 4 आंखें हैं, ये भी इसके भी 4 पीस कर दिए। और एक आलू ये है, इसकी भी 1, 2, 3, 4, 5 हैं इसकी, लेकिन ज़्यादा छोटा पीस जो है ना वो नहीं करना। ये देखिए, इसकी हमने ये एक आँख कर दी, ये कर दी दूसरी आँख और ये है ये इसकी आँख और ये इसकी 5 आंखें थी, लेकिन हमने 4 कटाई की हैं। अगर करना चाहें तो इसकी ये आंख भी कटाई कर सकते हैं ऐसे, लेकिन वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, वो दाना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और हम जो आलू लगाते हैं वो इतने फासले पे लगाते हैं जितने फासले पे पड़े हुए हैं, यानी कि ये 2 इंच का फासला है। हम 2-2 इंच पे आलू लगाता हूँ। मैं जितने भी क्रेट आज तक लगाए हैं 14-15 साल से लगा रहा हूँ, तो मैं इतने ही फासले पे जो है ना वो क्रेट लगाता हूँ। तो आगे अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो इसके मतलब तो वो हमसे पूछ सकता है।